और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के दौरे की। राजनाथ सिंह आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं का 75 सदस्य दल भी हिस्सा लेगा। इससे पहले कल राजनाथ सिंह ने रूस के डिप्टी पीएम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों पर अहम बातचीत हुई, लेकिन LAC पर तनाव के मद्देनजर चीन में हुई इस मुलाकात जो रूस में ये मुलाकात हुई उसे चीन और चिढ़ गया है। रूस ने भारत को रक्षा सौदे के मुताबिक जल्द से जल्द आपूर्ति का भरोसा दिया। चीन को झटका देते हुए रूस ने भारत चीन के बीच दखल से भी इनकार कर दिया है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनके और तेजी से उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड्स की ओर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बाद बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस वर्ष भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो LAC पे टकराव की खबर हमने आपको दिखाई, वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हमने दिखाया। रूस पे किस तरह से चीन की घेराबंदी भारत कर रहा है उसकी तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन इस बीच देश में किस तरह से सियासत हो रही है ये भी देखिए। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए JP नड्डा ने कहा कि एक परिवार ने खुद को विपक्ष समझ लिया है, एक शाही वंश और उनके वफादार दरबारियों में बहुत बड़ा भ्रम है कि विपक्ष का मतलब एक परिवार है। राजवंश नखरे फेंकता है और उसके दरबारी फर्जी कहानी आगे बढ़ाने रखते हैं। सबसे ताजा मामला सरकार से विपक्ष का सवाल है। एंड नाउ बाय अ फुल ब्लोन क्राइसिस ऑन द बॉर्डर्स विद चाइना, मच ऑफ ईच क्राइसिस इज एट्रिब्यूटेड टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द BJP मोदी गवर्नमेंट एंड द रॉन्ग पॉलिसीज परस्यूड बाय इट। चाइना के साथ हमारे जवान वीर जवान संभाल करके चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे, और यहां हमारी कांग्रेस पार्टी उनके मोरल को उनके विश्वास को कमजोर करने का काम करती है और दिन रात कोई ना कोई बयान देती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।